अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत होंगे, ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम सैयद ताहिर हसन है, मैं हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ स्टूडेंट अफेयर्स और एडमिशंस का इकरा यूनिवर्सिटी कराची में। आज जो हमारा वेबिनार है वो है बैचलर्स इन मीडिया साइंस, जो प्रोग्राम है मीडिया साइंस डिपार्टमेंट का, उसके बारे में हम बात करेंगे। और उसी सिलसिले में हमने बुलाया है आमना इश्तियाक को, जो सीनियर लेक्चरर है मीडिया साइंस डिपार्टमेंट में, एंड शी इज करंटली परसुइंग हर पीएचडी आल्सो इन द सेम फील्ड। आमना, कैसी हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है सर, हाउ आर यू? आई एम फाइन। हमने बहुत सारे सवाल आ रहे थे, खास तौर पे बीएमएस का जो प्रोग्राम है उस हवाले से। एक जो बहुत ही ज्यादा कॉमन क्वेश्चन जो हमारे पास आया है सबसे ज्यादा, वो ये था कि इसका कैरिकुलम क्या है, कौन कौन से मेन कोर्सेज ऐसे हैं जो बच्चा पढ़ेगा। और इसी के साथ एक और सवाल जो इंटरकनेक्टेड है इसके साथ, वो इंडस्ट्री से कैसे अलाइन है। ठीक है, जो इंडस्ट्री में चीजें आजकल डिमांड में है, उन कोर्सेज से पढ़ने के बाद बच्चा कैसे उस इंडस्ट्रीज में जाके काम कर सकता है, उसकी जो जॉब हो सकती है। तो ये दो दो सवाल है, कैरिकुलम के हवाले से थोड़ा सा बता दीजिए, और इंडस्ट्री कनेक्शन कैसे है उन कैरिकुलम का, बच्चों का और इंडस्ट्री ओके, का। ठीक है सर। पहले तो अगर हम बैचलर ऑफ मीडिया साइंस की बात करते हैं तो करिकुलम हमारे पास यहाँ इकरा यूनिवर्सिटी में हमारे पास डाइवर्सिफाइड एक करिकुलम है, जिसमें से वी हैव थ्री फील्ड्स ऑफ स्पेशलाइजेशन के बैचलर्स में आप फिल्म एंड टीवी, एडवर्टाइजिंग और एनिमेशन चूज कर सकते हैं। नंबर 1, आफ्टर चूजिंग दैट आप जब आप हमारे पास यहाँ स्टडी के लिए आते हैं, सो वी हैव अ वास्ट करिकुलम हमारे पास। उसमें रेगुलर करिकुलम अपडेट्स होती रहती हैं, जो एडवांस टेक्नोलॉजी को भी हम कैटर करते हैं। और उसमें करिकुलम में सबसे पहले स्टूडेंट जो हैं वो कुछ कोर्सेज जो डिफरेंट हैं हमारे बिजनेस प्रोग्राम से और बाकी अदर प्रोग्राम से, उसमें वो एक्सपर्ट्स एक्सपर्टीज के अंडर वो पढ़ाए जाते हैं। सच एज अगर मैं छोटी सी जॉनर की एग्जाम्पल दूँ, जैसे डिजिटल मीडिया कॉन्टेंट क्रिएशन, ठीक है, इसी सवाल में मैं आपके दोनों जवाब को कैटर कर दूंगी कि कौन कौन सी फील्ड्स होती हैं जिसमें हमारे पास बैचलर्स ऑफ मीडिया साइंस के स्टूडेंट्स जाते हैं पढ़ने के बाद, कौन सी फील्ड्स में प्रोफेशंस में जा सकते हैं। अगर हम बात करें एडवर्टाइजिंग एंड पीआर की, पब्लिक रिलेशन की, हमारे पास बहुत अच्छे कोर्सेज एक्सपर्टीज होते हैं, जैसे मीडिया पाइंग एंड प्लानिंग एक कोर्स हमारे पास होता है करिकुलम में। हमारे पास कॉपी राइटिंग एक कोर्स होता है जो आपको हेल्प करता है कंटेंट बिल्ड करने में, और एट द एंड ऑफ द डे आपके पास जॉब्स होती हैं उसी लिहाज से। फॉर एग्जाम्पल, डिजिटल मीडिया कंटेंट क्रिएटर आप बन सकते हैं। इसी तरीके से हमारे पास अगर ग्राफिक डिजाइन एंड मजीद एनिमेशन के जो कोर्सेज हैं, उसमें भी हम बहुत एक्सपर्टीज हासिल करते हैं। कैसे कि हमारे पास हैंड्स ऑन ट्रेनिंग मौजूद है, हमारे पास फैसिलिटीज मौजूद होती हैं यहाँ पर। क्लासरूम लर्निंग के साथ साथ आप अपने इंडस्ट्री और प्रैक्टिकल वर्क भी साथ साथ कर रहे होते हैं, जैसे कि फोटोग्राफी एक कोर्स हमारे पास करिकुलम में बहुत अच्छा एक कोर्स है। बेसिक जो हमारे कोर कोर्सेज होते हैं उसमें फोटोग्राफी है और सोशल मीडिया इंगेजमेंट है, सोशल मीडिया मार्केटिंग का एक कोर्स है। तो ये सारे कोर्सेज आपको हेल्प करते हैं, बिल्ड करते हैं कि आप एट द एंड ऑफ द डे जॉब से कैसे रिलेट कर सकें। अच्छा, दूसरा आपका सवाल को मैं जरा मजीद इलेबोरेट कर सकूं कि कौन से ऐसे जॉब पोर्टल्स होते हैं, कौन से ऐसी जॉब प्रोफेशंस हैं जिसपे आप जा सकते हैं। तो कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन एक बहुत अच्छा इमर्जिंग फील्ड है, जिसमें आप जब आप बैचलर्स ऑफ मीडिया साइंस करने के बाद अल्टीमेटली यू गेट अ जॉब देयर। आपके पास पीआर है, आपके पास पब्लिकेशन पब्लिशिंग साइड है, आपके पास रिसर्च है, आपके पास ब्रॉडकास्ट है, जहां पे आप जॉब अवेल कर सकते हैं। बच्चे को जब कोई चीज सीखनी होती है तो उसको इक्विपमेंट चाहिए होता है। फॉर बिल्कुल एग्जाम्पल, लाइटिंग का इक्विपमेंट, कैमरा फॉर दैट पर्पस, स्टूडियो, ठीक है, साउंड स्टूडियो, ठीक है, ऑडियो विजुअल स्टूडियो, या कोई और भी तरह की फैसिलिटीज। तो जरा ये बताइएगा कि जो इंडस्ट्री में इक्विपमेंट यूज हो रहा है या फैसिलिटीज हैं, इकरा यूनिवर्सिटी कौन सी फैसिलिटीज स्टूडेंट्स को देती है कि जब वो इस एनवायरनमेंट में जाए तो उनके लिए वो चीज नई ना हो। ऑलरेडी दे आर यूज टू दैट हैंडलिंग दैट इक्विपमेंट, और उनके लिए वो उसको इस्तेमाल करना आसान हो। कौन सा सॉफ्टवेयर को यार सिखाया जाता है बच्चों को एडिटिंग के लिए, जो इंडस्ट्री में इस्तेमाल हो रहा है, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा। ओके सर, हियर एट इकरा यूनिवर्सिटी एक्चुअली वी आर ऑफरिंग को-ऑप प्रोग्राम्स। अब को-ऑप प्रोग्राम्स क्या होते हैं? दैट इज कोऑपरेटिव एजुकेशन प्रोग्राम, जिसमें आप क्या करते हैं, क्लास कॉम्बिनेशन होता है वो एक लर्निंग ऑफ क्लासरूम विद अ रियल प्रैक्टिकल ऑफ वट एवर यू आर लर्निंग। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने खुद अभी बात की साउंड स्टूडियो की, सो वी हैव वेल इक्विप्ड साउंड स्टूडियोज हमारे पास मौजूद हैं, हमारे पास हाई क्वालिटी कैमराज मौजूद हैं, हमारे पास एडिटिंग सॉफ्टवेयर मौजूद हैं, जैसे एडोब सूट की अगर हम बात करें, फाइनल कट प्रो की हम बात करें, जो हम यहाँ पे अपने पूरे बैचलर्स लेवल में 4 साल में आपको डिफरेंट डिफरेंट सेमेस्टर में ये सारी चीजें आपको सिखाते हैं, सो दैट यू आर रेडी टू गो
एंड एक्सेल द फील्ड, इंडस्ट्रियल फील्ड, ठीक है। जब आप वहां जाते हैं, कुछ ऐसी चीजें आपको प्रैक्टिकल चाहिए होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि एडवर्टाइजिंग कैंपेन आपको डिजाइन करनी है, तो हाउ वुड यू डू दैट? आपको उसके लिए एडोब फोटोशॉप, प्रीमियर, फाइनल कट प्रो सीखना पड़ेगा। फोटोग्राफी के लिए या वीडियो एडिटिंग के लिए आपको कैमरा हैंडलिंग करनी होगी, जो कि हमारे पास यहाँ पे बहुत अच्छे सॉफ्टवेयर भी मौजूद है, लेटेस्ट ट्रेंडिंग चीजें मौजूद हैं जिसपे आप हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करते हैं। हमारे पास साउंड स्टूडियोज मौजूद हैं, हमारे पास वेल इक्विप्ड लैब्स, यहाँ पे कंप्यूटर लैब्स मौजूद है जहाँ पे आप जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं, इन हैंड एक्सपीरियंस हासिल कर सकते हैं। और हमारे पास फिल्म स्टूडियो भी मौजूद है जहाँ पे स्टूडेंट्स जो है बहुत अच्छे लेटेस्ट इक्विपमेंट्स के साथ, और दे आर वेरी हाई इक्विप्ड, ठीक है, वेल इक्विप्ड, एक्सपेंसिव हमारे पास इक्विपमेंट है जिसपे आप ट्रेनिंग हासिल कर सकते हैं, एंड देन यू कैन ऑब्वियसली एक्सेल दैट थिंग इनटू योर फील्ड एंड इंडस्ट्री। जबरदस्त। तो मुझे जो समझ आया आपकी बात से वो ये है कि जब बच्चा इंडस्ट्री में जॉब करने जाता है तो उसको ज्यादा मुश्किलात नहीं पेश आते, क्योंकि ऑलरेडी वो उस इक्विपमेंट को इस्तेमाल करने से यूज्ड टू होता है। तो उस या बिल्कुल सर, सॉफ्टवेयर हो गया, लाइटिंग इक्विपमेंट हो गया, बिल्कुल, कैमराज हो गए, यू नेम इट। तो यस, वहां पर जब वो इंडस्ट्री में जाता है इकरा यूनिवर्सिटी से पढ़ के, तो ऑलरेडी उसके पास उस चीज की नॉलेज होती है। जैसे कैमरा लाइटनिंग अच्छा एंड टेक्निक, हमारे पास एक कोर्स है जिसमें वो रियल टाइम जो है सामने जॉनरा को देखते हुए कैमरा और लाइटनिंग करता है, और उसके ऊपर पोस्ट प्रोडक्शन का भी काम हम सिखाते हैं ताकि ही इज वेल पॉलिश्ड व्हेन ही एक्सेल इन द इंडस्ट्री। आप ना थोड़ा सा मुझे फैकल्टी के बारे में बताएंगे, कौन कौन सी फैकल्टी, क्या पीएचडी फैकल्टी पढ़ाती है मीडिया साइंस में? अमूमन पीएचडी फैकल्टी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में और बिजनेस में ज्यादा पढ़ा रही होती है, तो मीडिया में आपके पास पीएचडी फैकल्टी मौजूद है क्या? हमारा जो ये रिसर्च का एरिया है, दैट इज ऑब्वियसली बूमिंग इन एवरी सेक्टर। सो हियर एट इकरा यूनिवर्सिटी आल्सो वी हैव 3 to 5 PhD कैंडिडेट्स आल्सो जो रिसर्च के ऊपर हमें काम करवाते हैं, और हमारा एक अच्छा फैकल्टी एक जिसे कहूंगी कोहॉर्ट बन चुका है, जो टीचर्स अब हमें फैकल्टी जो है हमारी वो PhD हैं, और अब वो हमारे बैचलर्स लेवल को भी पढ़ाएंगे, लाजमी सी बात। उससे फायदा ये होगा कि उनको इंडस्ट्री के एक्सपर्ट के साथ साथ अब रिसर्च एंड इनोवेशन में भी एक एक्सेल करने को मिलेगा, जिसमें वो ये कह सकते हैं कि हाँ यार एक एंड ऑल्सो वी आर स्टार्टिंग आर PhD प्रोग्राम इन मीडिया स्टडीज सून टू बी इनटेक इन कमिंग फॉल सेमेस्टर। तो डेफिनेटली हमारे पास PhD स्कॉलर्स मौजूद हैं जो आपकी रिसर्च के लिए, इनोवेशन और इन्वेंटिव आइडियाज के लिए, आपके लिए गाइडेंस के लिए मौजूद है वहाँ। कोई ऐसी एडवाइस जो स्टूडेंट्स को आप देना चाहें जो इस फील्ड में एडमिशन लेना चाह रहे हैं? क्राइटेरिया क्या है, कैसे अप्लाई कर सकते हैं, वो तो मैं आखिर में जरूर बात करूंगा। जो लोग सोच रहे हैं, इंटरमीडिएट कंप्लीट कर चुके हैं या एग्जाम दे रहे हैं, एग्जाम दे चुके हैं, रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, उन लोगों को क्या मैसेज देंगे जो बीएमएस करना चाह रहे हैं? आप पढ़ाई चाहे जो भी करें, आपको स्किल्स और लर्निंग आपके एक कंटिन्यूअस फेज में रहती है इन ऑल ओवर दिस 4 इयर्स प्रोग्राम, चाहे वो बैचलर्स इन मीडिया साइंस हो, चाहे वो बैचलर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन हो, या कोई भी और। माई एडवाइस टू द अपकमिंग स्टूडेंट्स फॉर बैचलर्स इन पर्टिकुलरली इन मीडिया साइंस वुड बी दैट, अगर आपके पास एक पोटेंशियल है टू लर्न समथिंग न्यू एंड टू डिलीवर समथिंग न्यू एंड टू बिल्ड समथिंग न्यू इन द मार्केट, सो डेफिनेटली मीडिया साइंस इज द प्रोग्राम वेर यू कैन इनपुट एंड यू कैन कम एंड जिसके कहते हैं ना एक तहलका मचा देते हैं आप लोग आकर अपनी जिंदगी में। इवन इवन यू कैन चेंज योर लाइफ थ्रू दिस फील्ड। क्यों? बिकॉज इसमें एक वो पोटेंशियल मौजूद है जिसमें आपके पास बहुत सारे जॉनराज मौजूद हैं जिसमें आप एक्सेल कर सकते हैं, सच एज मैंने आपको पहले भी जैसे बताया, मीडिया कंटेंट क्रिएटर मौजूद है आपके पास, कॉर्पोरेट सेक्शन में आप कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन में जा सकते हैं। इफ यू हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल, आप अपने आपको एनालाइज करें कि व्हाट पोटेंशियल डू यू हैव एंड देन एक्सप्लोर द फील्ड एंड दिस देन गो विद द फ्लो। अच्छा, कोई हमारी सक्सेस स्टोरी है जो बच्चे ने बीएमएस किया हुआ हो, वो कोई जॉब कर रहा है, किस डिपार्टमेंट में मेजोरिटी बीएमएस के बाद जॉब मिल रही है बच्चों को? मीडिया चैनल्स हैं, हमारे सॉफ्टवेयर जी जी हाउसेस बिल्कुल, हैं? हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो प्रोडक्शन हाउस की अगर मैं बात करूं तो फिल्म प्रोडक्शन हाउसेज में बहुत सारे हमारे बैचलर्स के स्टूडेंट्स मौजूद हैं। इवन इवन इन TVC प्रोडक्शन हमारे पास बहुत से लोग हैं जो टीवी से अच्छे प्रोड्यूसर्स बन चुके हैं आज, दे आर वेल नोन। मैं अभी यहाँ पे उनका नाम तो नहीं लेना चाहूंगी, लेकिन इंडस्ट्री से लिंकेजेस यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज बहुत होती हैं। जब आप यहाँ की फील्ड पढ़ते हैं, यहाँ आते हैं, तो ये आपकी बात फील्ड सच है कि 7 और 8 सेमेस्टर में उनको जॉब की ऑफर आना शुरू हो जाती है, उससे पहले भी? इंटर्नशिप के बाद आप डेफिनेटली 7 to 8 सेमेस्टर में जो लास्ट सेमेस्टर होता है उसमें, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर वर्क एज वेल कि आपका पोटेंशियल कितना है और आपका जॉनरा कितना एफिशिएंट है। तो डेफिनेटली यू कैन गेट अ जॉब इन 7 to 8 सेमेस्टर। स्टूडेंट अफेयर्स का हेड होने का फायदा ये होता है कि बच्चे आके अपनी चीजें बताते रहते हैं, तो ऑलरेडी मुझे पता है एग्जैक्टली कि
मास्टर्स इन मीडिया साइंस के जो लास्ट सेमेस्टर ऑलरेडी दे आर वर्किंग समवेयर, वो तो है। अच्छा, डेफिनेटली अब इसकी जो बीएमएस प्रोग्राम की जो हमने आज से आप बात करी आप सबसे, तो जो लोग इसमें एडमिशन लेना चाह रहे हैं, हमारे प्री फॉल के एडमिशन ओपन है। इसकी जो मिनिमम परसेंटेज है 45% है, और आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप अप्लाई करना चाहें तो admissions.ikra.edu.pk पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर कोई ईमेल करना चाहे, कोई आपका सवाल हो पर्टिकुलरली बीएमएस के हवाले से, मास्टर्स इन मीडिया साइंस के हवाले से, यू कैन ऑलवेज ईमेल अस एट admissions@ikra.edu.pk। मैं रिपीट कर देता हूँ, admissions@ikra.edu.pk। जो भी आपका सवाल होगा मास्टर्स इन मीडिया साइंस प्रोग्राम से रिलेटेड, वो हम रेलिवेंट फैकल्टी को दे देंगे, एंड आई एम श्योर दे वुड लव टू आंसर यू बैक। सेकेंड थिंग, इफ यू वॉन्ट टू अप्लाई, admissions.ikra.edu.pk पे आप अप्लाई कर सकते हैं। प्री फॉल के एडमिशन चल रहे हैं, और बीएमएस के बारे में अभी हमने बात करी, इससे पहले हमने बिजनेस एनालिटिक्स के बारे में बात करी थी, डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बात करेंगे। इसी तरीके की पूरी सीरीज ऑफ वेबिनार है जो बच्चों में बहुत ज्यादा पॉपुलर प्रोग्राम्स हैं, या कोई भी ऐसा प्रोग्राम जिसके बारे में स्टूडेंट्स को ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। हमारी कोशिश यही है कि उन्हीं के रेलिवेंट फैकल्टी मेंबर्स को बुलाएं उसी डिपार्टमेंट के, ताकि वो आपको बिल्कुल ही एक्यूरेट, करेक्ट और अप टू डेट इन्फॉर्मेशन देते रहें। थैंक यू सो मच मैडम आमना, एंड थैंक यू फॉर योर थैंक टाइम, यू, और इतनी मोस्ट जबरदस्त वेलकम, थैंक इन्फॉर्मेशन, यू, इतनी इन्फॉर्मेशन आपने जबरदस्त बच्चों को दी। तो सब अपना ख्याल रखिएगा, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन, टेक थैंक केयर यू सो एवरीवन। मच।